समाजवादी पार्टी के युवा उम्मीदवार सहसपान विधानसभा से ब्रिजेश यादव जी ने आज नामांकन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार वो जा रहे हैं, क्या उनकी रणनीति रहेगी और क्या मुद्दे रहेंगे। ब्रिजेश भाई, आपने नामांकन किया है आज सहसपान विधानसभा से, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? हमारे जो मुद्दे समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों पर समाजवादी पार्टी इस बार फिर से चुनाव में है। और जो 2017 के चुनाव में झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता पे काबिज हो गए थे, वो लोग कुछ कर नहीं पाए, विकास का पहिया रुका हुआ है, तो शिक्षा, पढ़ाई, सड़कें, बेरोजगारी, भुखमरी, अत्याचार, ये सब हमारे मुद्दे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बहुत नाराज़ है, इसलिए समाजवादी पार्टी की साइकिल लखनऊ जा रही है। आपके पिताजी 6 बार विधायक रहे हैं, आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं, कितना अलग देखते हैं इसको? कैंडिडेट की हैसियत से बात करें तो पहली बार चुनाव मैदान में हूँ, लेकिन मैनेजमेंट की हैसियत से बात करें तो मेरा 4th चुनाव है, बड़ा अनुभव है मेरे पास, लोग हैं मेरे पास। सहसपान की जनता इस बार इतिहास लिखने वाली है, इतिहास लिखा जाएगा 10 मार्च को। एक सवाल और, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि डीपी यादव भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने डीके भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया है, किससे मुकाबला मानते हैं और कितना आप अपने आप को सेफ मानते हैं सहसपान में? जिनका आपने पहले नाम लिया उनसे पहले भी 3 चुनाव जीत चुके हैं हम, एक चुनाव 107 वोट से जीत जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, उसके बाद लगातार सारे चुनाव हारना और उसके बाद अभी जो आप बीजेपी कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, ये ना इससे पहले कहीं थे ना चुनाव के बाद कहीं दिखेंगे, ये लोग चुनावी मौसम में आते हैं और भाग जाते हैं, 15-20 दिन में क्या करेंगे, ख़राब बयान देना, माहौल ख़राब करना। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सहसपान अमन पसंद जनता है, ये जो बाहर के लोग 15-15 दिन को आ रहे हैं इनको जगह नहीं मिलेगी, ये मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ। इसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सहसपान विधानसभा से ब्रिजेश यादव, जिनका साफ कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग होगी उसके लिए सहसपान विधानसभा से समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं।